तो हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल मंजू पुरु भारद्वाज चैनल में। और ये देखिए, दुपट्टा जो है ना, मैंने पूरा ऐसे कस के लगाया हुआ है। अभी मशीन के ऊपर बैठी हुई थी, लाइट चली गई, फिर क्या होता है, बेबना होता है ना स्टिचिंग करने का। और आज दिन में क्या हुआ, मैं खाना खा के दरअसल 2 बजे फ्री हो गई थी, बर्तन वगैरह साफ करके थोड़ी देर के लिए सो गई। इतनी अच्छी नींद आई थी, शाम को हुआ था जैसे हम पार्टी से, बर्थडे पार्टी से, मायके से, मतलब लेट पहुँचे से ना, तो फिर रात को ना कंफर्टेबल होके नींद भी नहीं आई। और फिर मैंने जब सुबह उठी ना, तो मैं पुरु के पापा के साथ भी बोल रही थी कि कुछ ऐसा लग रहा है, नींद नहीं आई। तो बोलते तो दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, लेकिन पता क्या होता है, पहले मैं दोपहर के टाइम में बहुत काम निकालती थी, छत में बहुत ठंडी हवा चली हुई है। और अभी क्या है, ठंड इतनी हो गई है, जैसे नीचे स्टिचिंग करने बैठते हैं ना तो टांगे बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं। तो फिर मैं लेट गई थी, और प्रीशु भी सोया, अभी उठाऊंगी उसको, लेकिन लाइट पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये है, कुछ इस टाइम 5:30 बज रहे हैं, ये देखो व्यू शाम का। अरे लौंकू की बेलें देखो, दिखाई दे रही है लौंकू की बेलें देखो। अब तो बेलें भी सूख गई हैं, नीचे लगे होंगे लौंकू, तो मैं बता नहीं सकती हूँ ऐसे, अदरवाइज ऊपर कुछ भी नहीं चले हुए। और ये बीड़ का पेड़ जो है ना, यहाँ पे बहुत इस पेड़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा घास होता है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो इनको बोल रही थी कि ये जो है ना, यहाँ से इतना पंगा, इतना आगे से बताती हूँ अंधेरे में, ये वाला, यहाँ से मैं बोलती हूँ यहाँ से काट दो, क्योंकि क्या होगा ना, यहाँ से काट देंगे तो थोड़े से यहाँ पे लाइट आ जाएगी। और लगा हुआ है लौंकू, अभी यहाँ से मुझे दिखाई दिया, वो देखो छोटा सा दिखाई दे रहा है लौंकू, लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे हाथ नहीं पहुँचेगा। कभी लाइट देखते हैं कब आती है, शाम को, आजकल शाम के टाइम ज़्यादा नहीं होता है, सब्जी का बड़ा स्यापा होता है कि सब्जी क्या बनाए। अभी देखते हैं, काले चने हैं भिगो के रखे हुए, लेकिन पुरु के पापा बोलते हैं काले चने ऐसे नहीं, बड़े नखरे करते हैं। तो अभी ठंडी हवा चली है, नीचे चलते हैं छत में, आपको सामने का व्यू बताती हूँ कैसा लग रहा है, सामने का व्यू कुछ देखने में इस तरह। ये देखिए, ये जो है ना बांस का पेड़, हम इसको ना काटने की सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक दिन तो बुलाया था काटने वालों के लिए हमने कि इसको काट दो। इसकी जो जड़ें हैं ना बांस की, ये देखो ये चली गई हैं, इसकी जड़ें जो है ना ये बाथरूम कि इस साइड, तो टूटने का डर है। तो और दूसरा क्या है ना, यहाँ से पत्ते वगैरह भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, और ये सूख भी गया है, बेकार हो गया है बांस का पेड़ अब तो। और घर के नज़दीक तो वैसे भी पेड़ होने नहीं चाहिए। और इस साइड का व्यू देखिए, इस तरह से सूर्य देवता भी छिप गए हैं, बहुत अच्छा व्यू लगता है शाम के टाइम। लेकिन मैं छत के ऊपर आजकल ना बहुत कम आती हूँ, क्योंकि ठंडी हवा चली होती है, और मधुमक्खियों ने वो देखो 2 छत्ते बनाए हुए हैं, पता नहीं दिखा, ये देखो ये मधुमक्खियों के ना 2 बड़े बड़े छत्ते बनाए हुए हैं। एक को तो चील है ना, मतलब चोंच मार मार के तोड़ दिया, इसमें तो नहीं है, लेकिन दूसरे में डाउट है कि कहीं मधुमक्खियाँ रहती ना हो। ये देखो डेंजरस होता है घर के नज़दीक। और ये जो है ना पेड़ हमारा नहीं है, हमने बोल के रखा हुआ मालिक को कि इसको भैया आप कर दो, काट दो, लेकिन क्या बोलना, सुनवाई कोई करता है नहीं। लेकिन मैं तो इनको बोल रही थी कि सीधे कंप्लेंट आगे कर दो। ये देखो शाम के टाइम जो ना व्यू बहुत अच्छा लगता है, डार्कनेस हो गई थी ब्लैक में, कैसा लग रहा है व्यू। और इस पेड़ के ऊपर जो मैं बता रही थी, बहुत ज़्यादा घास होता है, और ये टंकी उठा के ऊपर रख दी है, लेकिन इसमें अभी ना इन्होंने पानी वगैरह भर के नहीं रखा हुआ है। तो चलो अभी चलते हैं नीचे ना, देखती हूँ लाइट आई कि नहीं आई, लग तो नहीं रहा है मुझे आई होगी। और ये देखो थोड़ी सी लकड़ियाँ नीचे से उठा के और भी ले आए हम, थी लकड़ियाँ। और ये तो वैसे मैंने चट्ठा लगा दिया, ये देखो उस दिन बताया नहीं था, लेकिन पता क्या है, मुझे डर है, ऐसे तो मैंने पक्का लगाया हुआ है, लेकिन हवा वगैरह चलती है ना, ये देखो यहाँ से ना ऊपर नीचे आने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा जंप था, तो पुरु के पापा ने बना दिया है। जब अंदर खाना बनाने का मन नहीं होता ना, तो ये मैंने पानी गर्म करने के लिए चूल्हा बनाया हुआ है, और ये ना कहीं गिरे ना, मतलब ना
नहीं पक्का है, ये हिले ना तब ठीक है, मेरे को डर लग रहा था। और कुछ लकड़ियाँ मैंने ऐसे, हवा जो है ना आर पार होती रहेगी और जल्दी सूख जाएंगे, और ये वाली लकड़ियाँ भी मैं ऐसे ही लगा दूंगी, ऊपर जो है ना नहीं रखूंगी। और आज मैंने ना धनिया का श्री गणेश यहीं पे कर दिया है, मैंने थोड़ा सा धनिया यहाँ से तोड़ा था दोपहर के लिए भाई। और मुझे ना, मैं सच्ची बात बोलूँ ना, मैं अगर किचन गार्डन में कुछ लगाती हूँ ना और वो बहुत अच्छे लगे तो मुझे बहुत खुशी होती है, और कोई बोले या ना बोले मैं खुद ही उसकी तारीफ़ करती रहती हूँ कि देखो देखो कितना अच्छा, और बहुत खुशी होती है क्योंकि किचन गार्डन हरा भरा हो ना तो बहुत खुशी लगती है होती है। और अभी तो जुगाड़ हो गया है लकड़ियों का ठंड के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी है। मतलब जब लकड़ियाँ हो जाएं, अपना किचन गार्डन हरा भरा हो, क्योंकि मैंने उस साइड पहले पिछली बार जो था ना यहाँ पे मिट्टी की जो थी ना थोड़ी सी मतलब क्यारी बनाई हुई थी, तो अब क्या बोलूँ मैं आगे आपको, आ गई लाइट, चलो चलते हैं, आ गई लाइट टचवुड। तो हाँ जी दोस्तों, अभी जो है ना मेरा चूल्हा टूट चुका है, और अभी नीचे से मैंने बोरू से ना मिट्टी निकाली, और उसमें जो है ना मैंने जो घास गाय को डाला जाता है ना, उसको हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं भू तूड़ी, मतलब पंजाबी ये तूड़ी बोलते हैं ना, जो कनक पक जाती है तो हम जब उसको कटवाते हैं ना तो उसका जो छोटा छोटा घास निकलता है तूड़ी, वो इसमें मैंने मिक्स की है, ठीक है। पहले तो इसमें गोबर भी डालती थी लेकिन मम्मी मना कर रहे हैं कि गोबर मत डालना। मैं आपको बताती हूँ, चूल्हा इस तरह से बिल्कुल टूट चुका है, देखने में इतना गंदा लग रहा है। मैंने लैंटर में ईंटें लगा के आज नहाने के लिए पानी किया, बच्चों को गर्म और उनके लिए भी दाल वगैरह वहीं पे चढ़ा दी है। तो आज मैंने ये चूल्हे में मिट्टी लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ कितना गंदा चूल्हा देखने में लग रहा है। लेकिन अभी ना ये जो गर्मी आएगी इतने पूरा जो भी है ना चूल्हा पूरा उखाड़ दूंगी, मतलब नए सिरे से बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मैंने पूरू के पापा को पहले भी बोला था, कहना नहीं मानते हैं वो। चलिए अभी बताती हूँ कितना टूटा है। इतना इतना टूटा था ना, पीछे से मैंने खुद ही तोड़ दिया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक टूट जाता था ना, तो मुझे बोला कि आप उखाड़ दो इसको, और इससे क्या होगा मतलब शायद मिट्टी इसके साथ लग ही जाए। तो ये वाली ये जो मिट्टी थी ना हम अपने मामा ससुर के घर से लाए थे, ठीक है, तो ये वाली मिट्टी जो है ना वो बहुत अच्छी है, सख्त है। तो ये रात को जलाया था, ये वाली मैं ना धूल जो है निकाल दूंगी, इससे क्या होगा ना चूल्हे को छापने में मतलब छाप चढ़ाने में थोड़ी सी आसानगी हो जाएगी। और ये मैंने देखो मिट्टी जो है ना रेडी करके, पहले इसको मैंने अच्छी तरह से कूटा इसके साथ डंडे के साथ, फिर मैंने इसको प्लेन किया। तो चलिए अभी जो है ना मैं ये पूरी धूल निकालूंगी और ये पूरा मतलब पुताई करके बताऊंगी कि कैसे कैसे चूल्हे को छाप लगानी है, क्योंकि एक हाथ के साथ काम कर रही हूँ, दूसरे के साथ जो है ना मैं फ़ोन पकड़ के इधर उधर बता रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो चलो अभी छाप लगा लेती हूँ इसको। हाँ जी, ये देखिए मैंने चूल्हे मैंने अच्छी तरह से छाप लगा दी है, ये देखो दूर से बताती हूँ कैसा लग रहा है आपको, छाप लगा दी है, पीछे भी लगा दी है मैंने छाप, कैसा लगा। और देखो मिट्टी जो है ना पूरी यहाँ पे मैंने लगा दी है, ये जो उंदल था ना ये भी टूट गया था, और ये मैंने तो अपने आईडी से सभी तरफ जितना भी टूटा हुआ किनारा था ना अच्छी तरह से छाप लगा के इस टाइम तो मतलब चूल्हे को देखने का बहुत चाप लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चूल्हा जो है कैसा लग रहा है। अब इसको सूखने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी, थोड़ा सा गोबर डालूँगी गाय का ना, तो उसका लेप चढ़ाऊँगी, लेकिन जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगी। ये देखो ये कितना गंदा लग रहा था यहाँ से पूरी, और देखो हाथ भी पूरे मिट्टी वाले हो गए हैं, है ना। तो ये देखिए ये जो है ना मैंने यहाँ से निकाल के ये यहाँ पर डाला जाता है ऐसे, ये डाल दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो अच्छी तरह से सूख जाए इसलिए मैंने यहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे रख दिया है। अच्छी तरह से हो गई है अब तो, ठीक है, इसको सूखने देते हैं, जब बाद में सूख जाएगा ना तो इसमें मैं मिट्टी का और गोबर का लेप चढ़ाऊंगी, और फिर थोड़ी मतलब एकदम इसमें आग नहीं लगाई जाती है, थोड़ी 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 करके इसमें शाम को मैं आग देखती हूँ, अगर सूख गई, ठीक है, अगर सूख गई तो अच्छी तरह से मैं इसमें लेप लगा के चूल्हा के, रात को तो मैं खाना फिर भी इसमें नहीं बनाऊंगी क्योंकि टूटने का डर है, एक दो दिन तो छोड़ो एक दिन मतलब
खाना नहीं बनाऊंगी इसमें मैं, जब अच्छी तरह से सूख जाएगी तभी इसके ऊपर मैं खाना बनाना जो है स्टार्ट करूंगी। तो कमेंट बॉक्स में मैं बताना आपकी कैसा लग रहा है मेरा चूल्हा जो मैंने मिट्टी लगाई है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो,